हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिक्स पाउडर से चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम। बहुत ही कम टाइम पर सुपर टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार है, जिसे आज हम बनाएंगे ट्रिंगल आइसक्रीम मिक्स पाउडर से। आप इस पाउडर से बहुत ही आसानी से घर में टेस्टी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले लेना है ट्रिंगल आइसक्रीम मिक्स पाउडर चॉकलेट फ्लेवर में। इसके पीछे ये आइसक्रीम बनाने का तरीका लिखा हुआ है। ये 100 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है वो 45 रुपीज। पैकेट को कट कर लेंगे, इसके अंदर जो दूसरा पैकेट है इसे भी कट कर लेंगे और आधा कप दूध ले लेंगे। आधा कप दूध में आइसक्रीम का जो पाउडर है इसे पूरा मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से दूध में मिला लेंगे। इसमें कोई गुठली या लम्स ना होनी चाहिए, इस तरह से दूध में मिलाकर एक तरफ इसे रख देंगे। दूसरी तरफ एक बर्तन में 500 ml दूध ले लिया है। दूध में यहाँ पर आपको शक्कर नहीं ऐड करना है, पाउडर में शक्कर पहले से ऐड है और दूध में अच्छा सा उबाल आने तक पकाएंगे। दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका, अब इसमें चॉकलेट फ्लेवर का जो पाउडर है एक बार इस तरह से अच्छे से दोबारा मिक्स करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से इसे मिलाते जाएंगे और गैस की फ्लेम आपको एकदम यहाँ लो रखनी है। दूध में चॉकलेट फ्लेवर का मिक्सर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में पाउडर ऐड करने के बाद ये देखिए दूध यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गाढ़ा और एकदम क्रीमी दिखने लगा है। अब इसे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके, इसमें काफ़ी अच्छा सा उबाल आ चुका है। मैं इसे आपको दोबारा चलाकर दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे से गाढ़ा और एकदम क्रीमी हो चुका है। अब इसे यहाँ पर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है, यहाँ पर मैंने आइसक्रीम का एक कंटेनर ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह से कोई एयर टाइट डब्बा हो तो आप इसे ले लें। अब इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से बंद कर देंगे। अब इसे हम फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। 4 घंटे बाद आइसक्रीम के कंटेनर को बाहर निकालेंगे और मैं इसको आपको चलाकर दिखाती हूँ। जब आइसक्रीम इतनी जम जाए तो आप इसे एक जार में अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो आइसक्रीम होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी जमकर तैयार होती है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है। आइसक्रीम के मिक्सर में यहाँ पर मैं आधा कप मलाई ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे जो चॉकलेटी कलर भी अच्छा आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी, तो इस तरह से आप भी ऐड कर दें। आइसक्रीम के मिक्सर को अच्छे से चम्मच से पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और 1 मिनट अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक आइसक्रीम के इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल चुका। अब इसी कंटेनर में हम दोबारा इसे ऐड कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा आपको चलाकर दिखाते हैं। ये देखिए पहले से काफ़ी ज़्यादा ये क्रीमी दिख रहा है। अगर आपके पास चोको चिप्स हैं, चॉकलेट या वाइट कलर के जो भी हैं तो आप इसमें ऐड कर दें। इससे जो आइसक्रीम का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऊपर से थोड़े से चोको चिप्स और ऐड कर देंगे। आइसक्रीम के इस कंटेनर को दोबारा हम ढक्कन लगाकर कवर कर देंगे अच्छे से। अब इसे फ्रीजर में 10 से 12 घंटे के लिए अच्छे से आइसक्रीम को जमने के लिए रख देंगे। 12 घंटे हो चुके, आइसक्रीम को चेक करेंगे। ये देखिए आइसक्रीम काफ़ी अच्छे से जम चुकी है। अब इसे हम फटाफट निकाल कर सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से चॉकलेट फ्लेवर में ये आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप इस आइसक्रीम के ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड करके सर्व करें। सभी को ये आइसक्रीम बेहद पसंद आने वाली है, तो आप भी इसे अपने घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस गर्मी में इस पैकेट से आइसक्रीम बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।